रायपुर दक्षिण का सियासी रण में सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। रायपुर दक्षिण सीट से 30 प्रत्याशी मैदान में थे। साल भर पहले हुए चुनाव में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने यह सीट रिकॉर्ड मतों से जीती थी। ऐसे में भाजपा खासकर बृजमोहन अग्रवाल के लिए रायपुर दक्षिण सीट प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस किसी भी हाल में यह सीट अपने नाम कर इतिहास बदलने की कोशिश में है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। कमल करेगा कमाल या पंजाब मचाएगा धमाल, जी हां, रायपुर दक्षिण का सियासी रण अपने फाइनल दौर में पहुंच चुका है, जहां मतदान की प्रक्रिया थमने के साथ ही सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब इंतजार है 23 नवंबर को सामने आने वाले परिणामों का, जिसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में शाम 5 बजे तक 47% मतदान हुआ। मतदाताओं में इस बार चुनाव को लेकर पहले जैसा उत्साह नहीं दिखा। उधर मतदान के दौरान कई जगहों पर छुटपुट विवाद की खबरें भी सामने आईं। नया पारा पोलिंग बूथ पर करीब खड़े होने को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। रायपुर के भटगांव स्थित मतदान केंद्र के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। विवाद नारेबाजी और मतदान केंद्र के बाहर हंगामा करने की बात को लेकर हुआ था। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी जमकर बहस हुई। दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।